अस्सलाम वालेकुम, मैं मरमिन राज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेकर इल्मे आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 9 फरवरी 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है 42,800 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और थोड़ा सा रिकैप अगर देता चलूँ तो BTC का जो सा रेजिस्टेंस लेवल हम लोग देख रहे थे 44,500 डॉलर्स का लेवल, BTC ने आज के दिन में उसको तोड़ा था और BTC की वैल्यू ऊपर गई थी तकरीबन 45,500 डॉलर्स तक। लेकिन उसके बाद से हम लोगों ने देखा है कि अलॉट ऑफ सेलर स्टेप्ड इन और BTC की वैल्यू अब नीचे आई है। और कल की वीडियो में जो था सपोर्ट लेवल देख रहे थे 43,400 डॉलर्स वाला, BTC ने उसको भी तोड़ दिया है। और उसका जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था तकरीबन 42,500 डॉलर्स का लेवल, तकरीबन वहाँ तक BTC की वैल्यू दोबारा से वापस आई है। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ तो ये जो रेड रन दिखाया है BTC ने, ये मार्केट मैनिपुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर RSI इंडेक्स जो सा है वो ऑन करके दिखाता चलूँ तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो RSI इंडेक्स में BTC की जो सी वैल्यू चल रही थी वो तकरीबन 84% तक चल रही थी। मतलब कि BTC की वैल्यू ओवरसोल्ड के अंदर गई हुई थी RSI इंडेक्स के अंदर। तो ये मार्केट करेक्शन है और मार्केट करेक्शन इसलिए होती है कि जब भी किसी स्पेसिफिक कॉइन का RSI इंडेक्स की जो सी वैल्यू है वो ओवरसोल्ड की तरफ जाए तो उसके बाद उसकी RSI इंडेक्स की वैल्यू को दोबारा से ये जो सा फ्रेम है मतलब कि 30% से लेकर 70% तक वहाँ तक उसको दोबारा से वापस लेकर आया जा सके। तो ये मार्केट करेक्शन की है, ये मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग देखेंगे कि ये जो सा मेजर सपोर्ट लेवल है BTC का 42,500 डॉलर्स का लेवल, यहाँ से BTC की वैल्यू दोबारा से बाउंस बैक करेगी। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त 21 मूविंग एवरेज की जो लाइन है ये जो सा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है 42,500 डॉलर्स का लेवल यहाँ पर आ रही है। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पर काम करेगा BTC के लिए। और अगेन यहाँ से वैल्यू बाउंस बैक करेगी, BTC की बाउंस बैक करती है तो सबसे पहले एक छोटी रेजिस्टेंस है 43,400 और फिर उसकी रेजिस्टेंस बनती है 44,500 डॉलर्स के ऊपर। और मेजर जो सपोर्ट लेवल है वो है अगेन 42,500 डॉलर्स। अगर 42,500 डॉलर्स के लेवल को BTC तोड़ देता है और अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल्स जो है वो इस सपोर्ट लेवल से नीचे बंद होती है तो फिर उसका सपोर्ट लेवल बनेगा 40,500 डॉलर्स का। ये जो सा लेवल मैंने लगा कर दिखाया हुआ आप लोगों को, ये वाला लेवल। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग BTC इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है BTC के अंदर किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है BTC की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा बाकी चलते हैं आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं FTM के ऊपर। तो FTM अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ था कि वो 2.16 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगा हूँ, लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर वीडियो जनवरी के शुरू के अंदर बनाई थी। तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी, अगर मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो 12% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने एक ही दिन के अंदर जनरेट किया होगा FTM के ऊपर से। और इसके अलावा अगर आप इसके यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से अगर आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ तो करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो उसका बन रहा है तकरीबन 2.15 डॉलर्स के ऊपर के, जिसको ये करंटली होल्ड करके रखने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है उसका तकरीबन 2.378 डॉलर्स के ऊपर। और अगर इस सपोर्ट लेवल को ये तोड़ देता है FTM और उसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर इसका सपोर्ट लेवल बनेगा तकरीबन 2.04 डॉलर्स के ऊपर। तो सबसे पहले इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहले ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन को ऐसे सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा था, लेकिन अब ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन को ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ कर रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे 21 मूविंग एवरेज की लाइन को भी रेजिस्टेंस और 100 मूविंग एवरेज की लाइन, मतलब कि 221 और 100 तीन मूविंग एवरेज की लाइन को यहाँ पे रेजिस्टेंस और फिलहाल 50 मूविंग एवरेज की लाइन को ऐसा सपोर्ट के तौर पर यूज़ कर रहा है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट भी लगा कर दिखाता चलूँ ताकि हम लोग कुछ और भी बेहतर आइडिया हो जाए FTM के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जैसे करंट सपोर्ट लेवल आ रहा है ये 0.236 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर बन रहा है एग्जैक्टली। तो एक तो 0.236 वाली गोल्डन रेशो, उसके अलावा मूविंग एवरेजेस की 50 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर आ रहा है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अगर ये जो सी करंट कैंडल है कि अगर अपने इस सपोर्ट लेवल मतलब कि 2.15 डॉलर से अबव बंद करता है तो फिर आप लोगों ने एंट्री ले लिया तकरीबन 2.18 डॉलर्स के ऊपर और आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट हो जाएगा 2.36 और नेक्स्ट है आप लोगों का 2.5 डॉलर्स के ऊपर। और अगर ये अपने इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 2.05
पहला एक्सिट टारगेट है 2.15 और नेक्स्ट आप लोगों का एक्सिट टारगेट है 2.36 डॉलर्स के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है FTM के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं FTT के ऊपर। तो FTT अगर अभी आप लोग देखे तो ये ट्रेड बढ़ गया 45.7 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और FTT के ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी तकरीबन यहाँ पे जनवरी के अंदर, और उसके बाद से हमारे काफ़ी ज़्यादा टारगेट हिट हुए थे। तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री, और अगर मेरे बताए हुए सेकंड एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो 5% तक का प्रॉफिट आप लोगों का जनरेट हुआ होगा। और अगर आप लोगों ने इसको 1 से 2 दिन के लिए होल्ड करके रखा होगा तो तकरीबन 14% तक का भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा FTT के ऊपर से। तो FTT के अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल बताता चलो तो मेजर सपोर्ट लेवल बन रहा है इसका तकरीबन 44.88 डॉलर्स के ऊपर, क्योंकि जिसको कि करंटली होल्ड करके रख रहा है। करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन 46 डॉलर्स के ऊपर, कि जहाँ से इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे आ गई है। अगर 46 डॉलर्स का जो सा रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ता है तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन 47.9, और फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन 49.9 डॉलर्स के ऊपर। अगर इसके अलावा अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे तकरीबन 24 जनवरी से लेके अभी तक FTT कंटिन्यूसली हायर हाईज एंड हायर लोस बना रहा है। अगर लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो सो फार वेरी गुड साइन फ्रॉम FTT। और अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस, तो यहाँ पे इस वक्त FTT 21 मूविंग एवरेज की लाइन को पहले सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा था, लेकिन अब फिर से ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और 50 मूविंग एवरेज की लाइन इसका जो सर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, मतलब कि 44.88 डॉलर्स बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर आ रही है। तो मूविंग एवरेजेस सो फार अपने लेवल्स के ऊपर है, मतलब कि सबसे पहले 21 मूविंग एवरेज है, फिर इसके बाद 50 है, फिर उसके बाद 100 है, और लास्ट में 200 मूविंग एवरेज की लाइन है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करती है FTT की वैल्यू तो हम लोग देखेंगे कि 21 मूविंग एवरेज की लाइन अबव ही रहेगी तमाम मूविंग एवरेजेस की लाइन से। तो अब इसके ऊपर आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलो, तो अगर तो FTT की ये जो सी कैंडल है करंट 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल अपने इस रेजिस्टेंस लेवल मतलब कि 45.9 से अबव बंद नहीं करता तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 45.1 डॉलर्स के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 45.9 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का 47.8 डॉलर्स के ऊपर। और अगर ये जो सी करंट कैंडल है वो इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव चले जाती है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 46.2, पहला एग्जिट टारगेट है 47.8 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का तकरीबन 49.8 डॉलर्स के ऊपर। और अगर आप लोग FTT को होल्ड करके रखना चाहते हैं, अगर आप लोग इसको अबव 50 डॉलर्स के ऊपर भी सेल आउट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वो होने में तकरीबन 1 से 2 वीक्स का टाइम लग सकता है। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है FTT के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सेलर के ऊपर। तो सेलर भी आप लोग देखे थे ट्रेड हुआ तकरीबन 0.0543 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसके ऊपर मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई है। तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली है और अगर मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो 7% तक का प्रॉफिट, और फिर उसके बाद तकरीबन 25% तक का भी कुछ लोगों का प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा सेलर के ऊपर से। और उसके अलावा जितने भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये जब मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी अभी उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है सेलर यहाँ पे। तो इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ तो 200 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे ही रही है सेलर की वैल्यू, और अब इस वक्त ये तमाम मूविंग एवरेजेस की लाइन से नीचे चल रहा है। 50 मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो इसका जो सर रेजिस्टेंस लेवल है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल 0.0552 वाला, उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस बन सकता है सेलर के लिए। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोग कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए इधर सेलर के ऊपर, तो अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसका जो से एक रेजिस्टेंस लेवल है ये 0.236 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर भी एग्जैक्टली आ रहा है। तो एक तो फिब रिट्रेसमेंट की 0.236 और फिर इसके अलावा मूविंग एवरेजेस की 50 मूविंग एवरेज की लाइन, तो ये वाला लेवल एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे अब काम कर सकता है सेलर के लिए। और हम लोग देखेंगे कि सेलर की वैल्यूज का जो है ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है तकरीबन 0.0523 डॉलर्स, वहाँ तक वापस आएगी। तो अब एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, तो सेलर की वैल्यू नीचे आती है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन 0.0526 डॉलर्स के ऊपर, और आप लोगों का एक्सिट टारगेट हो जाएगा 0.055 डॉलर्स के ऊपर। और अगर सैलरी की वैल्यू अपने इस सपोर्ट लेवल को भी कंटिन्यू नहीं रखती, इसकी वैल्यू और भी नीचे आती है, तो फिर आप लोगों ने सबसे पहले स्टॉप लॉस यूज़ करना है 0.0514 डॉलर्स के ऊपर।
री एंट्री पॉइंट है 0.0487, पहला एक्सिट टारगेट 0.0519 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है 0.055 डॉलर्स के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे सेलर के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एवेक्स के ऊपर। तो एवेक्स अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ 85 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और एवेक्स के ऊपर ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगा हूँ। लास्ट टाइम मैंने दिसंबर के अंदर वीडियो बनाई थी, तो तब अगर आप लोगों ने मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री और अगर मेरे बताए हुए सेकंड एक्सिट पॉइंट के ऊपर एक्सिट किया होगा तो 11% तक का प्रॉफिट, और अगर आप लोगों ने कुछ दिन तक इसको होल्ड करके रखा होगा तो 2 दिन के अंदर आप लोगों ने 20% तक का एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा एवेक्स के ऊपर से। तो एवेक्स के अगर सबसे पहले सपोर्ट लेवल लगा के दिखाता चलूँ तो करंट जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा है 81 डॉलर्स के ऊपर, और फिर इसके बाद उसका जो सर सपोर्ट लेवल बन रहा है, मेजर सपोर्ट लेवल जो बनेगा वो बनेगा तकरीबन 77.5 डॉलर्स के ऊपर। और अगर इस सपोर्ट लेवल को ये तोड़ देता है, मतलब तो कि ये जो सर 77.5 डॉलर्स के ऊपर लगा के दिखाया, तो फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनेगा 72.4 डॉलर्स के ऊपर। उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल है करंटली तकरीबन 85.3 और फिर उसके बाद है 94.4 डॉलर्स के ऊपर। तो अब इसके बाद भी सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो करंटली तमाम मूविंग एवरेज से अबव है, और 21 मूविंग एवरेज की लाइन जो कि उसके सपोर्ट लेवल के ऊपर आ रही है तकरीबन 81 डॉलर्स के ऊपर, तो ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पर काम करेगा एवेक्स के लिए। और अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोग कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसके वजह से करंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है ये तकरीबन 0.5 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर आ रहा है, और सपोर्ट लेवल 21 मूविंग एवरेज की लाइन है, और फिर उसके बाद का जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है 0.382 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो अगर तो ये जो से करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो से इसका रेजिस्टेंस लेवल है 85.37 उससे अबव बंद करता है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 86.3 डॉलर्स के ऊपर, पहला एक्सिट टारगेट है 94.1 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है आप लोगों का तकरीबन 100 डॉलर्स के ऊपर। और अगर ये करंट कैंडल अपने इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद नहीं करता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर एंट्री पॉइंट है आप लोगों का 81.7, पहला एक्सिट टारगेट है 85 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है आप लोगों का 95 डॉलर्स के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है एवेक्स के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं रिपल के ऊपर। तो रिपल अगर अभी आप लोग देखें तो ट्रेड हुआ तकरीबन 0.811 डॉलर्स के ऊपर, और रिपल के अंदर अगर आप लोग देखें तो 6.5 से लेके तकरीबन 8.5 तक एक काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम आया था, और रिपल की वैल्यू ऊपर गई है तकरीबन यहाँ पे 35% अबव। तो रिपल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अबव है, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे तकरीबन 0.914 डॉलर से रिपल की वैल्यू दोबारा से नीचे आना शुरू की है, और जिस तरह से BTC ने रेड रन दिखाया है उसी तरह से रिपल भी यहाँ पे रेड रन दिखा रहा है, और रिपल की वैल्यू जिसका जो सर सपोर्ट लेवल है तकरीबन 0.804 डॉलर वाला उसको करंटली होल्ड करके रखा हुआ है रिपल ने, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है रिपल का वो बन रहा है 0.845। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है और रिपल की वैल्यू अबव जाती है तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल है 0.871, क्योंकि प्रीवियसली ये वाला लेवल ऐसा सपोर्ट के तौर पे भी काम कर रहा था, और अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये वाला लेवल जब रिपल की वैल्यू नीचे होती है तो तब ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पर भी काम करता है, और फिर उसके बाद उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा उसका तकरीबन ये वाला लेवल 0.9113 डॉलर्स के ऊपर। तो रिपल के ऊपर तो ये वीडियो मैं कुछ अर्से के बाद बना रहा हूँ, प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद से भी हमारे कुछ टारगेट हिट हुए थे, तो 5% तक का प्रॉफिट तो हमारा जनरेट है, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको अभी तक होल्ड करके रखा होगा तो आप लोग एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट के अंदर होंगे रिपल के ऊपर से। तो रिपल के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है अगर आप इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू 1 डॉलर तक जाए तो तब आप इसको सेल आउट करें, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि रिपल की वैल्यू दोबारा से 1 डॉलर तक लाजमी तौर पे जाएगी। तो अब इसके ऊपर भी सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेज अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो तमाम मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा अबव चल रहा है, और 21 मूविंग एवरेज की लाइन अब ऊपर है सबसे, और फिर इसके बाद 200 है, फिर 50 और फिर लास्ट में है 100 मूविंग एवरेज, लेकिन हम लोग देखेंगे बहुत जल्द जो ये 50 मूविंग एवरेज की लाइन है ये भी 200 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव आ जाएगी। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स करंट ट्रेड के लिए, तो आप लोगों का करंट जो एंट्री पॉइंट बन रहा है रिपल के ऊपर वो बन रहा है 0.81 डॉलर्स के ऊपर, पहला एक्सिट टारगेट है 0.84
नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है आप लोगों का 0.87 डॉलर्स के ऊपर। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू $1 तक जाए, तब तो आप इसको सेल आउट करें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे रिपल के ऊपर से। तो आज के लिए यही कॉइन्स, और कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।